दिल्ली में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन, अरविंद केजरीवाल भरेंगे पर्चा। कल रोड शो के दौरान जाम में फंसने की वजह से नहीं कर पाए थे नामांकन। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार। बीजेपी से सुनील यादव और कांग्रेस से रमेश सबरवाल देंगे केजरीवाल को चुनौती। हरिनगर से तेजिंदर बग्गा को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। गठबंधन की सहयोगी जेडीयू दो और एलजेपी एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में बीजेपी के सहयोगी अकाली दल नहीं लड़ेगी चुनाव। सीएए को लेकर पार्टी का फैसला। मंजिंदर सिंह सिरसा बोले, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भीष्म शर्मा और अमरीश गौतम को भी टिकट मिला। दोनों के बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने का मिला है इनाम। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। रैली को करेंगे संबोधित। कपिल सिब्बल के बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया सीएए का समर्थन। बोले, संसद से पास किसी भी कानून का विरोध सही नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान बोले, राज्य में सीएए के लागू नहीं होने देंगे। बाबा साहेब का संविधान नहीं बदला जा सकता। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने फिर से की अपील। कहा, प्रदर्शनकारी रास्ता साफ करें, लोगों को हो रही है परेशानी। प्रयागराज में 9वें दिन भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध जारी। प्रदर्शनकारी बोले, अंतिम सांस तक आंदोलन करेंगे। लखनऊ में घंटाघर पर जारी प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। मुन्ना राणा की दो बेटियों के नाम भी हैं शामिल। लखनऊ पुलिस की एफआईआर में सैकड़ों अज्ञात लोगों का जिक्र। प्रदर्शनकारी बोले, जाएंगे कोर्ट। हावड़ा में भी नहीं थम रहा है विरोध। प्रदर्शनकारियों की मांग, सरकार वापस ले सीएए। झारखंड के गोड्डा में भी संविधान बचाओ देश बचाओ महारैली। आरजेडी कांग्रेस जेएमएम समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर भी प्रदर्शन। कैंडल लेकर विरोध में उतरी महिलाएं और बच्चे। शाहीन बाग के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी दर्ज कराई मौजूदगी। नागरिकता कानून का किया विरोध। दिल्ली पुलिस की धमकी से नाराज दिग्विजय सिंह ने पूछा, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले देवेंद्र सिंह पर क्यों नहीं लगाया गया एनएसए। 28 जनवरी को जयपुर जाएंगे राहुल गांधी। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे। दरभंगा में भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ 3 दिनों से प्रदर्शन। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हुए। सीतामढ़ी में भी हजारों मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर आई। नागरिकता कानून के खिलाफ हल्ला बोल। बुल्लाड़ा में सीए का विरोध कर रहे लोगों ने डिटेंशन कैंप बनाकर किया प्रदर्शन। मोदी सरकार का विरोध किया। पुणे में भी नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एफटीआईआई समेत कई संस्थानों के छात्र शामिल हुए। चंद्रपुर में सीए एनआरसी के विरोध में कांग्रेस का मोर्चा। कानून को बताया संविधान के विरोध में। अहमदाबाद में गांधी आश्रम के बाहर जमे प्रदर्शनकारी। सीए के विरोध में बुलंद की आवाज। केरल पंजाब के बाद राजस्थान में भी सीए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी। 24 जनवरी से विधानसभा की बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, वो गरीबों से पैसा वसूलते हैं और अपने अमीर दोस्तों को बांट देते हैं। बीजेपी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। पार्टी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी हुआ स्वागत। नड्डा के अध्यक्ष बनने पर हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नागरिकता कानून के समर्थन में आगरा में पहली रैली करेंगे जेपी नड्डा। 23 जनवरी को है आयोजन। आज मिशन जम्मू कश्मीर पर आरएसपुरा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कठुआ में प्रताप सारंगी, मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर का दौरा करेंगे। साध्वी प्रज्ञा को धमकाने वाले आरोपी से पूछताछ में खुलासा। कहा, मां भाई रिश्तेदारों और पड़ोसियों को फंसाने के लिए रची थी साजिश। खत्म हुआ शिरडी विवाद। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक पाथरी के विकास को लेकर शिरडी के लोगों को अब नाराजगी नहीं। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी के प्रस्ताव पर लगी मोहर। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल होंगी राजधानी, विधानसभा ने किया मंजूर। अमरावती में चंद्रबाबू नायडू समेत कई टीडीपी नेता हिरासत में लिए गए। 3 राजधानी बनाए जाने का कर रही थी विरोध। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से ईडी ने पूछताछ की। कई घंटों तक दिल्ली में पूछताछ हुई। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक का आगाज। 24 जनवरी तक दुनिया के तमाम अहम आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी दावोस के 50वें सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री कमलनाथ, बीएस येदियुरप्पा भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी दावोस बैठक में हो रहे हैं शामिल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से करेंगे मुलाकात। भारतीय कंपनियों के 100 सीईओज भी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होंगे। बैठक के लिए भव्य तैयारी। दावोस पहुंची अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सम्मान। दिल्ली चुनावों से पहले मेरठ में मिला हथियारों का जखीरा। 60 से ज्यादा हथियार जब्त। अवैध फैक्ट्री भी पकड़ी गई। लखनऊ में युवक ने घर में घुसकर छात्रा पर ब्लेड से हमला किया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। औरंगाबाद में पूर्व नगर सेवक की पिटाई के मामले में शिवसेना विधायक समेत 6 पर केस दर्ज। सड़क के टेंडर को लेकर हुआ था बवाल।
रुड़की में गौमांस के साथ एक आरोपी पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज। गुरुग्राम में पुलिस पर शराब माफियाओं ने किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, 50 पेटी शराब जब्त। नोएडा में दूध चोरी करते हुए नजर आए पुलिस वाले, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक घर से मिली पति पत्नी की लाशें, मौत की वजह अभी तक साफ नहीं। इंदौर में फर्जी कागजात के दम पर 100 करोड़ लोन लेने वाले संजय द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी, 30 फर्जी कंपनियों के जरिए लिया था लोन। अमेठी में एक ट्रक और बोलेरो में भीषण भिड़ंत हुई, 5 लोगों की जान गई, एक की हालत गंभीर। शिरडी में गलत साइड में घुसे ट्रक ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पटना सिटी में नालंदा मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने हंगामा किया, सुरक्षा में कमी को लेकर प्रिंसिपल को कई घंटे तक बंधक बनाया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्वाभिमान शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकारी दफ्तर में की तोड़फोड़, फसल बीमा जल्द से जल्द देने की मांग। हरियाणा के गोहाना में घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी, जांच में जुटी है एसआईटी। धौलपुर में पूर्वी राज्य मंत्री जगमोहन सिंह के घर में तोड़फोड़ हुई और लूटपाट, सरपंच चुनाव में हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने किया था हमला। मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 विदेशी महिला समेत 3 लड़कियां गिरफ्तार, 2 एजेंट भी पकड़े गए। पंचकुला में पुलिस ने पूरी बारात को हिरासत में लिया, दूल्हा और उसके चाचा पर नाबालिग बच्ची को अगवा करने का है आरोप। झांसी में मैरिज हॉल के कर्मचारी और मालिक के साथ मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जमीन विवाद में मारपीट हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। जींद में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात का शक। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर कार से स्टंट करते हुए नजर आए मनचले, जांच में जुटी है पुलिस। जेएनयू में बीती रात एक बार फिर से छात्र से मारपीट, एबीवीपी कार्यकर्ता पर लगा है आरोप। फीस में वृद्धि पर विवाद के बीच जेएनयू वीसी ने बयान दिया, बोले 82% छात्रों ने विंटर सेशन के लिए कराया है रजिस्ट्रेशन। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में आज पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी क्यूरेटिव पिटीशन, अदालत ने खारिज कर दी थी पुनर्विचार याचिकाएं। अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दाखिल की गई हैं 23 याचिकाएं। निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में एक और गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार आतंकी नवीद बाबू के भाई को दबोचा, एनआईए के हवाले किया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बिरयानी खाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में बारात से लौटते समय थ्रेशर मशीन से टकराई बोलेरो, एक की मौत हुई, गाड़ी के उड़े पर खच्चे। चित्रकूट में ट्रेन से गिरी 2 छात्राएं, एक की मौत हुई, दूसरी छात्रा की हालत गंभीर। चेन्नई में सीवेज प्लांट में हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आकर 2 वेल्डिंग मजदूरों की गई जान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में खेलते खेलते गड्ढे में गिरे 2 बच्चे, दोनों की मौत हुई। सूरत के सारौली में टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग, 10 मंजिला इमारत जलकर खाक हुई। दमकल की 50 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बड़ा बयान, बोले 1 जून से देश भर में लागू करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। हरदा में प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा का किसान नेता पर फूटा गुस्सा, भेदभाव का लगाया आरोप। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में एक श्रद्धालु ने दान में दिए 35 किलो सोना, दरवाजे और छत में किया गया है इस्तेमाल। शामली में पुलिस महकमे पर उठे सवाल, पेट्रोलिंग जिप्सी में धक्का मारते हुए नजर आए पुलिस वाले। राजपथ पर 71वें गणतंत्र दिवस परेड की जोरदार तैयारियां, सुरक्षा बलों का रिहर्सल जारी। इस बार राजपथ पर देखेगा सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड का दम, 65 बाइकर्स देंगी सलामी। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट, सीलमपुर में आतंकवादियों के लगाए गए पोस्टर। कोयंबटूर में पोंगल के दौरान लोगों ने लगाई बैलगाड़ी की रेस, देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद अब निकलने लगी धूप, लेकिन अभी भी 6 फीट तक जमी है बर्फ। लाहौल स्पीति में सोबरंगा इलाके में पुल पर जमी बर्फ ही बर्फ, उसे हटाने में जुटे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के केलियांग में बर्फबारी से बेहाल जिंदगी, स्कूली बच्चों की बढ़ी हैं मुश्किलें। आज जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी और नेपाल के पीएम केपी ओली रहेंगे मौजूद। इंडिया टुडे टीवी ने जीता रामनाथ गोयन का अवार्ड, राजनीति सरकार श्रेणी में मोमिता सेन और शिखा ने जीता है सम्मान। आईएमएफ ने साल 2019-20 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 4.8% किया, 2020 में 5.8% रहने की उम्मीद। देश के लाखों कर्मचारियों को लग सकता है झटका, ईपीएफओ ब्याज दरों में हो सकती है 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। मोबाइल उपभोक्ताओं को लगेगा महंगाई का करंट, इस साल 30% तक महंगा हो सकता है मोबाइल बिल। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी अमेजोन इंडिया, डिलीवरी के लिए 2025 तक 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी। एप्पल भारत में लॉन्च कर सकती है आईफोन 9, कीमत 30,000 रुपए के आसपास होने की संभावना।
विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा विकेटकीपर और बल्लेबाज के किरदार निभाकर टीम का बैलेंस बेहतर करते हैं राहुल। न्यूजीलैंड में भी राहुल से ही कराना चाहेंगे कीपिंग। आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का पहले स्थान पर कब्जा बरकरार, रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर। आईसीसी की गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह का कमाल, शीर्ष स्थान पर कायम। 5 T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई टीम इंडिया, 24 जनवरी को ऑकलैंड में होगा पहला मुकाबला। सुनील गावस्कर ने की वनडे क्रिकेट में ऋषभ पंत को अंतिम 11 में रखने की वकालत, कहा शिखर और रोहित ओपनिंग में बेस्ट जोड़ी। बगदाद में फिर अमेरिकी उच्चायोग के पास दागे गए 3 रॉकेट, अब तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। स्पेन के कई इलाकों में बर्फीले तूफान का कहर, 3 लोगों की मौत, तेज हवाओं की वजह से बढ़ी मुश्किलें, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। बर्फीले तूफान की वजह से जनजीवन ठप हुआ, करीब 200 उड़ानें रद्द। नेपाल के हिमालयन रेंज में एवलांच के बाद फंसे ट्रैक्टर की तलाश जारी, हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान जारी। बड़ी संख्या में मैक्सिको में घुसे शरणार्थी, उन्हें रोकने के दौरान पुलिस से झड़प।